तो फाइनली हम लोग 4 पार्ट तक चले गए थे, अभी पार्ट 5 में आ चुके हैं। अप स्टॉक अभी भी चल रहा है, ठीक है। अप स्टॉक के बारे में इस पार्ट में खत्म हो जाएगी, मैंने 3 पार्ट से बोल रहा हूँ, अब खत्म होगी, अब खत्म होगी, लेकिन मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, इसकी वजह से वीडियो जो है लंबी होती जाती है। तो आप लोग जो है सीखने आए हैं, तो इसलिए मैं सिखाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोग को जो है ऐसा ना हो कि कुछ चीजें जान गए कुछ चीज नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे मनोरंजन वाला तो काम है नहीं, जो है जल्दी जल्दी बता के आपको कुछ मनोरंजन करा के आपको भेज दिया जाए। तो यहाँ पे जो है सीखने की बात है तो सिखाऊंगा, तो अच्छे से सिखाऊंगा। सोचा क्या कि मैं अपना कोर्स जो है आप सभी के लिए फ्री कर देता हूं, ठीक है। बिगनर लेवल का जो कोर्स है, यहां पे दिख रहा होगा आपको आगे में, ये जो है कोर्स है ये बिगनर लेवल का, पहले ये पेड था, इसको मैंने फ्री कर दिया हूं आप सभी के लिए। तो इसमें बिगनर लेवल का जितने भी चीज है आप अभी जाके जो है लॉग इन कीजिए, लॉग इन करने के बाद आप सिंपली सारे वीडियो जो है देख सकते हैं, आपके लिए मैंने इसे फ्री कर दिया। और ये कुछ ही दिन के लिए फ्री है, जो लोग साइन अप कर पाइएगा जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये फिर से पेड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका वीडियो एक वीडियो, ठीक है, डेली आएगा इसका, जितने भी इस कोर्स के अंदर में वीडियो है ये सभी वीडियो जो है आपको डेली मिलेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। इसमें आगे की जो है बात है, यहां पे सिंपली सी इस चीज की बारे में बात करूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको मैं बता देता हूं तो आपको जो है काफी यूज होने वाला है बाद में, ठीक है। ये जो है आपको सिंपली सी जो है इसमें चार्ट का जो है अलग अलग जो है कॉलम बन जाता है, जितने कॉलम चाहते हैं उतना चार्ट जो है इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अभी एक कॉलम वाला है, तो यहां पे सिंपली सी एक चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है यहां पे ले लेंगे 2 चार्ट इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जो है अलग अलग कंपनी का जो चार्ट लगा के देख सकते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है आपको 3-4-5 चार्ट देख के एक ट्रेड लेना हो, तो उसकी वजह से आपको जो है इसका जो है यूज करना पड़ता है। लेकिन आगे मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे करते हैं, और बहुत सारे तरीके से इसका जो है यूज किया जाता है। सिंपली अभी आप जान लीजिए कि कैसे इसको लगाना है, कहां से लगाना है, ठीक है। इसको लगाने के लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पे किसी भी कंपनी का एक, यहाँ पे जैसे मैंने ICICI बैंक का इसमें लगा दिया, इसमें जो है आपको HDFC बैंक का लगा दिया, ठीक है। 2 चार्ट लग गया, दोनों चार्ट को व्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके एक जो है, आगे बताऊंगा कि इस सभी का क्या क्या काम होता है, अभी बताऊंगा, आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से मैं धीरे धीरे जो है आप सभी को सभी चीज क्लियर करना चाहता हूं। मतलब यहां पे 2 चार्ट लगा सकते हैं, अगर चाहते हैं आप तो 4 चार्ट लगा सकते हैं। 4 चार्ट मैंने कर दिया हूं, इसमें ICICI बैंक, इसमें जो है आपको SBI बैंक दे दिया हूं, इसमें HDFC दे दिया हूं, और इसमें जो है एक्सिस बैंक दे दिया हूं। आप चाहे तो 8 लगा सकते हैं, इतना बड़ा स्क्रीन है तो आप जितना बड़ा स्क्रीन उतना अच्छा से लगा पाइएगा, ठीक है। तो छोटा स्क्रीन है तो उस पर आप 3 कीजिए, अगर बड़ा स्क्रीन है तो 8 कर दीजिए, इतना इतना बड़ा है तो 8 कर लीजिए। देखिए कितना चार्ट लग गया इसमें, जितना बड़ा स्क्रीन उतना लगा सकते हैं, और जितना जरूरत है उतना ही लगा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लगाने के बाद आपको देखने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं अभी सिंगल कर देता हूँ, ठीक है। सिंगल करने के बाद सिंपल सी ऐसी आ गया, इसमें Nifty 50 लगा, तो इसका यूज जो है आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आगे जो है ये सेव ऑप्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सेव ऑप्शन के लिए आपको क्या, सिंपली किसी भी चीज को आप ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद जो है एक जो है रेड ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे कुछ कुछ मैं ऐसे जैसे ड्रॉ बना लेता हूँ, एक पाथ ले लेता हूँ इसमें से, और मैंने यहाँ से जो है पाथ बना दिया हूँ कि ऐसे ऐसे मार्केट होगा, वगैरह वगैरह कुछ भी बना के आप जो है इसमें जो है सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करने के लिए आपको सिंपली एक लेआउट बनाना होगा, कुछ भी नाम लिख के यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ये सेव हो चुका है। अब जो है आप कुछ भी कर लीजिए इसमें, कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप सेव कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है आप, मैंने पिछले किसी को भी मैंने खोल दिया, ठीक है। यहाँ पे खोलने के बाद मैंने 8 जो है चार्ट वाला कुछ लगाया हुआ था सेव करके, तो यहाँ पे ये चार्ट वाला खुल गया, ठीक है। मैंने कुछ कुछ सेव करके रखा हूँ, उस हिसाब से आप खोल सकते हैं। फ्रेम वाला चाहिएगा खोलना, नहीं खुल पाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके खोलिएगा तो फिर वही चार्ट आ जाएगा आपके पास, वो सेव रहेगा उसी प्रकार से सेव रहेगा जैसे आप करके रखेंगे रात को। तो ये होता है कि सेव कर दिया मैंने, आगे कुछ भी करना है सेव कर दिया, आगे कुछ भी करना है तो सेव रहता है, ठीक है। ऑटो सेव ही रहता है, ठीक है। आप कुछ भी ड्रॉ करते जाएगा तो इसमें ऑटो सेव होता है, ठीक है। बट कभी कभी होता है क्या, कुछ आप ऐसे खोल लिए हैं इसमें, कुछ ऐसा चीज खोल के आप जो है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा हो गया है, तो ये जैसे मैंने सेव कर दिया इसको, जिस टाइप से सेव है वैसे ही सेव रहता है, ठीक है। किसी भी चीज को आप इजीली सेव कर सकते हैं इसमें, जिससे आगे की फ्यूचर में आपको काम आया तो उसको खोल के इजीली ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सेटिंग्स है। सेटिंग जो है काफी यूजफुल होते हैं, बहुत सारे जो है कम वीडियो बने हुए हैं इस पे, तो मुझे भी बहुत दिक्कत होता था पहले। अभी आपको मैं पहले रीसेट कर देता हूँ, डिफॉल्ट अप्लाई में डिफॉल्ट कर देता हूँ। आपको कुछ इस टाइप से जो है पहले पहले आपको मार्केट जब खोलिएगा इसको तो इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। सिंपली सी बैकग्राउंड में लाइंस रहेंगे, कुछ इस टाइप से रहेंगे, कैंडल का कलर जो है ऐसा रहेगा। तो आप जो है सिंपली यहाँ से मैं बताता हूँ कैसे कैसे कलर जो है चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाने के लिए यहाँ से भी सेटिंग में जा सकते हैं, कैंडल पे डायरेक्ट 2 बार क्लिक करते हैं फिर भी सेटिंग में जा सकते हैं, और तीसरी जो है यहाँ से सेटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब जो है सिंपली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। पहले बैकग्राउंड यहाँ से आप जो है 2 टाइप में कर सकते हैं, एक जो है आप चाहें तो मिक्स कलर कर सकते हैं, नीचे से आप ब्लैक दे सकते हैं, ऊपर से मतलब रेड दे सकते हैं, इस प्रकार से आप जो है डबल मिक्स कलर में कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा, ये उतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है एक कलर में आप सिंपली चाहते हैं तो किसी भी कलर में रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं, ये कलर जो कलर में आपको पसंद आए वो कलर रख सकते हैं बैकग्राउंड, ठीक है।
जैसे मैंने हल्का सा मैंने रेड हल्का सा पीला रख दिया, ठीक है। ये उसके बाद जो है लाइंस आप चाहे तो मिटा सकते हैं, लाइंस चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे जो है लाइंस की जगह पे आप डॉट डॉट भी रख सकते हैं, आप जो है जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से रख सकते हैं। ये लाइंस देखिए डॉट डॉट में बदल गया, और इसको भी डॉट डॉट सभी डॉट डॉट में बदल गया। लेकिन आप चाहे तो इसको जो है हटा सकते हैं, यहाँ से थिकनेस जो है यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, पूरा जीरो मैंने कर दिया। इसको भी यहाँ से जो है पूरा जीरो कर दिया हूँ। ये पूरा पूरा ही चार्ट जो है क्लीन हो चुका है। अब बैकग्राउंड आप चाहे तो व्हाइट रख सकते हैं, आप जो कलर का रख सकते हैं, मुझे व्हाइट ही अच्छा लगता है, ठीक है। व्हाइट मैंने कर दिया हूँ यहाँ पे सिंपली। अब यार जो है आपको जो है ये सिंपली ये सीजन ब्रेक्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है दिन मतलब 17 तारीख खत्म हुआ, 18 तारीख खत्म हुआ, आपको ये दिखाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये 18 तारीख का चार्ट है, ये 17 तारीख का चार्ट है, ये 15 तारीख का चार्ट है, ऐसे करके सीजन बाय सीजन जो है दिखा देता आपको, ठीक है। तो इसका यूज ऐसा है कुछ, यहाँ से आप इसको लाइन बाय लाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है इसको कलर में किसी भी कलर में कर सकते हैं, ये ब्लू ही ठीक रहता है, ठीक है। इसको आप जो है तो सिलेक्ट कर सकते हैं या अनसेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है टैक्स है, टैक्स जो है इस साइड में जो रहते हैं लिखा हुआ 1700 2 17200 17150, इसको जो है आप जो चाहे किसी और कलर में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल सी है, इसकी जो है मोटाई पतलाई जो भी करना चाहते हैं आप 12 पे ही रहने दीजिए, डिफॉल्ट ही अच्छा रहता है, ठीक है। और ये सभी जो है आप जो है इसका जो है स्केल लाइन जो है यहाँ पे जो साइड में लाइन जो जो दिख रहे हैं ऊपर से नीचे, जहां पे जो कॉर्नर यहां बनता है, ये यहां पे सिंपली जो आपको यहां पर दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है, ये दिख रहा है ना, उसका जो है आप थिकनेस से और जो भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं सिंपली। इसका कोई खास यूज है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें बहुत सारे चीज़ हैं जो कि आपके काम के भी नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ जानने की जरूरत नहीं। ये वाटर मार्क है, आप चाहे तो इस पर जो है वाटर मार्क लगा कर रख सकते हैं कि ये कौन सा साइट जो है खुला हुआ है, जिससे आपको पता हो कि ये कौन सा साइट खुला और कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है। यहाँ पर निफ्टी 50 खुला हुआ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं हटा के ही रखता हूँ। बाकी इसमें जो है आपको ज़्यादा चीज़ जानने की जरूरत नहीं है, जितना जानिएगा उतना मत्था कर पच्ची हो जाएगा, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही जानिए, ठीक है। ये सिंपल जो है यहाँ पे आ गया है। अब सिंपल सी यहाँ पे जो है बता देता हूँ, ये सिंबल नेम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे निफ्टी 50 आ गया। अब मैं एक जो भी चार्ट खोलूंगा यहाँ पे आ जाएगा उसका नाम, ठीक है। मैंने फिन निफ्टी खोला तो यहाँ पे जो है फिन निफ्टी लिख के आ गया, निफ्टी फिन सर्विस आ गया। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक खोलूंगा तो यहाँ पे जो है आईसीआईसी बैंक लिख के आ गया। तो इसका जो है काफी यूजफुल है, जिससे आसानी से पता चलता है कौन बैंक है। यहाँ पे भी पता चल जाता है ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे भी रहता है, उसका जो है कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप हाई और लो का जो है एवरेज निकाल सकते, जैसे हाई पे मैंने क्लिक कर दिया और लो लेवल का क्लिक कर दिया हूँ और एवरेज भी कर दिया हूँ, तो यहाँ पे जो है सिंपली वॉल्यूम का आएगा। तो इस सब का यूज जो है बहुत कम होता है। ये हाई और लो का जो है आप रख सकते हैं, हाई और लो वाला रख सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं, ठीक है। हाई हाई लो क्या होता है, जैसे कि आपका जो है ये चार्ट पे हाई जो है देखिए यहाँ पे दर्शा रहा है, ये लो जो है इस ये लो बना हुआ है जो इस आज का मार्केट का, और यहाँ पे हाई बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लिखा हुआ आ जाता है, थोड़ा ये अंदाजा रहता है कि आज का ये मार्केट या कल का मार्केट का लो और हाई क्या है, ठीक है। तो सिंपल रहती है, तो ये सिलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात थी, यहाँ तक मैंने समझा दिया। उसके बाद इसके अंदर जाना है, ये सिंपली जो है स्टेटस लाइन है। स्टेटस लाइन मतलब क्या, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये लाइन जो है स्टेटस लाइन है, ठीक है। इसमें जो है आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं, ये सिंबल्स है जो कि कौन से बैंक से या कौन सी चीज आप लगाए हैं, वो सिंगल्स है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो है कुछ सेटिंग्स होते हैं, इसका जो है आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी जो है जो नॉर्मल है उसी को रहने दीजिए, नहीं तो कचरा हो जाता है, ठीक है, इसी पे रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो मार्केट्स ओपन, यानी यहाँ पे जो है शो करेगा ओ से ये ओपन है, ठीक है, इसको आप ओपन का क्लिक कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट का स्टेटस बताएगा, और ये जो वैल्यू जो बता रहा था उसको जो है ओ मतलब होता है ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, सी मतलब क्लोज, ठीक है। तो ये ओपन हाई लो क्लोज बताता है ये वैल्यू, तो इसको हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे हटाइएगा मत। ये बार चेंज वैल्यू है, यानी ये कितना परसेंट कौन सा कैंडल बढ़ा है, कौन सा कैंडल कम हुआ है, कितना परसेंट का कितना कैंडल है, और कितने पॉइंट्स का यानी कितने रुपीज का कौन सा कैंडल है, ये बताता है, ठीक है। ये इंडिकेटर का टाइटल्स है, यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन होता है, इसमें जो भी इंडिकेटर आप ऐड कीजिएगा यहाँ पे ऐड रहेगा, यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको चाहे तो इसका नाम सहित आता है, अगर इसको हटा देते हैं तो ये नाम जो है शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो इसको जो है आप कर सकते हैं, ये इंडिकेटर जो है आपको जो है वॉल्यूम, ये इंडिकेटर वैल्यू बताएगा कि किसी कर रहे होंगे तो उसके आगे जो है वैल्यू होगा वो बताएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप जो है रहने भी दे सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। इसका जो है आप बैकग्राउंड जो है आप चाहे तो यहाँ पे ऊपर में आ रहा होगा बैकग्राउंड, ठीक है, देख पा लेंगे। इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा अगर कम करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कैंडल दिखने लगता है, और यहाँ करते थे बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसको जो है आप जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो है मतलब कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो है जो कलर चाहते हैं कैंडल कर रहे हैं उस कलर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने बॉडी को जो है ब्लैक ब्लू कर दिया हूँ, ब्लू कर दिया हूँ, इसको भी और इसको भी ब्लू कर दिया हूँ, एक कलर हो गया।
इधर इसको जो है मैं कर देता हूँ कौन सा कलर, ये कलर कर देता हूँ और ये कलर कर देता हूँ और ये कलर कर देता हूँ, कुछ इस टाइप से जो है आपका कैंडल हो जाता है, ठीक है। कुछ अलग कलर का हो गया, आप जो है चाहते हैं कुछ अलग रहे मेरा चार्ट तो कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं, बट कन्फ्यूजन रहता है दिमाग को जो है, अगर आपका इस पर आदत बैठ जाता है तो फिर ठीक है, ठीक है। अगर नहीं आदत बैठता तो फिर कन्फ्यूजन रहेगा, अरे यार कौन मतलब कौन कलर है नहीं है, मतलब हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए रेड और ग्रीन काफ़ी अमेजिंग रहता है, ठीक है। तो रेड जो है अब गलती से आप भुतला गए होंगे तो, लेकिन रेड हमेशा ग्रीन जो होता है हमेशा ये इसके ऊपर में रहता है, ठीक है। ये एक हुआ, दो हुआ, तीसरे नंबर पर जो है ग्रीन होता है उसको ही लगाया कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दो ग्रीन के बाद एक ये हल्का वाला ग्रीन रहेगा, ठीक है। सभी में आप इसको लगाइए पहले, यहाँ से यहाँ पे इसको, यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट जो है ये जो है ग्रीन वाला कैंडल हो गया और ये रेड कलर कैंडल, ये रेड ऊपर वाला ही लगा सकते, ठीक है। यहाँ से जो है ऊपर वाला रेड जो है लगा देते, ये कुछ इस टाइप से अब चमकीला टाइप का जो है चार्ट जो है कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब आगे की जो बात है, यहाँ पे प्राइस का जो है ऊपर में जो ये लाइन डॉट डॉट वाला जो दिख रहा है, यहाँ से क्लिक करने के बाद ये चाहे तो आप रख भी सकते नहीं, लेकिन रहने के बाद जो अच्छा रहता है कि कहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है, पीछे की जो है चीज़ें जो है दिखती है अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको भी रहने दीजिए, आप जो है इसका भी यूज कर सकते हैं, बट ये सभी जो है फालतू हो जाते हैं। हाँ, ये चीज़ यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लो लिखा हुआ है और ऊपर में हाई होगा तो हाई लिखा हुआ है, तो उसके जो साथ साथ में आपको इस टाइप को जो है एक लाइन्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे हाई और लो में लाइन्स लगा दीजिए, अच्छा रहता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ तक आया हो, देख पाएंगे यहाँ से जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लाइन पे सपोर्ट लिया, अच्छा लगता है दिखने, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप जो है इसको कर सकते हैं सिंपली जो है, अब जो है कोई भी चीज़ इसमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो है टाइम फ्रेम जो है इसमें डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा, टाइम फ्रेम जो है जो है आपका जो होगा वही रहने दीजिए, ठीक है। सेटिंग्स के बारे में आप सभी को सारा चीज़ जो है क्लियर मैंने बता दिया हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए मैं बता दूंगा। अब आगे की चीज़ जो चलते हैं, ये जो है फुल करने के लिए चार्ट के लिए, ये फुल हो गया, ओनली ओनली चार्ट दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखाएगा इसमें, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये बड़ा से बड़ा स्क्रीन में चार्ट देखने के लिए है और छोटा से छोटा स्क्रीन में देखने के लिए, ठीक है। तो मैंने चार्ट को जो है छोटा कर लिया, यहाँ से बड़ा ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इस चार्ट को सेव करना है तो मैंने एक जो है डाउनलोड कर लिया इस चार्ट को, जो भी ड्रॉइंग किया होगा या जो भी होगा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ओके एंड देन चार्ट ओपन, देखिए ये इसका जो है एक फोटो मुझे दे देता है इस चार्ट का, मैंने कोई भी चीज़ किया होता यहाँ पर ड्राइंग तो ये आ जाता, बट मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे हाई और लो सिंपल सी जो है चार्ट का जो है एक फोटो दे दिया, ठीक है। यहाँ से जो है आप फोटो को जो चाहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, कॉपी चार्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ जो है इसमें ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये है सिंपली चार्ट को जो है बड़ा आप बड़ा देखना चाहते हैं, ये सभी साइड का जो है हटाना चाहते हैं, ये सभी जो है हटा के रखना चाहते हैं, तो सिंपली इस टाइप का चार्ट जो है खुल जाता है। ये भी आसान होता है जब आप कोई भी चीज़ पीछे बैक चेक टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग में आपको जो है कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चीज़ चाहिए, तो बड़ा चार्ट भी हो जाता है। चार्ट देखिए कितना बड़ा हो जाता है इसमें और अच्छा से जो है कर पाते हैं, इसमें जो है फालतू चीज़ हट जाता है, तो यहाँ पर जो है सिंपली कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा दें आपको, इसके बाद जो है ये यहाँ तक चले हैं, ये जो था पहले जमाना में चलता था, पहले मतलब क्या था, पहले चार्ट आई क्यू चलता था, जो है सिंपल सी सेटिंग्स होती है सभी, अभी जितने भी प्लेटफॉर्म है आपके पास यही चार्ट जो है मिलते हैं, ठीक है। बट ट्रेडिंग व्यू जितने भी सपोर्टेड हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं स्विच टू ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है, ताकि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है आसानी होता है और उसको जो है एनालाइज करने में अच्छा होता है, ये भी अच्छा काम करता है इसमें, बट उतना जो है आपको जो है चीजें नहीं मिलती है, जो चीज आप चाहेंगे यहाँ पे ड्रॉ करने का जैसे कुछ इस टाइप से मिलता है उतना मजेदार नहीं, तो उसमें क्लियर होता है इसमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आप जो ट्रेडिंग व्यू को ही यहाँ पे स्विच रहने दीजिए, हर एक प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन रहता है कि आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ तक मैंने बता दिया हूँ, उसके बाद जो है ये सेटिंग्स होते हैं आपके जो जितने भी ब्रोकर हैं सबके सेटिंग अलग अलग होते हैं, यहाँ पे लॉग आउट वगैरह वगैरह, तो अपने हिसाब से देखते हैं, यहाँ से डार्क थीम कर सकते हैं, डार्क करना चाहते हैं तो मैं व्हाइट ही रहने देता, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को सारा चीज़ जो मैंने बता दिया हूँ यहाँ पे, अब एक चीज़ और बचा हुआ है। अब यहाँ पे जो है आने के बाद मैंने इसके बारे में बताया था, इसके बारे में मैंने नहीं बताया और इसके बारे में मैंने नहीं बताया, अब बताता हूँ। ये एक ऑप्शन चेन होता है, यहाँ पे ऑप्शन चेन कुछ इस टाइप से आता है, ऑप्शन चेन के बारे में बहुत सारी चीज़ जो मैं बताऊंगा, इसके जो है बहुत सारे स्ट्रेटजी होते हैं और यही ऑप्शन चेन देख के आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ जो करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बायर सेलर जो भी होते हैं, जो भी खरीद बिक्री होता है, इस पे चार्ट पे दिखता है कि क्या है नहीं है, ये कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर रहा होगा इसमें, लेकिन मैं डिटेल में बताऊंगा उसके बाद ही इसको खोलूंगा, इसलिए मैं बंद रख रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद जो है ये सिंबल इन्फॉर्मेशन है, अगर मैंने आईसीआईसी बैंक का जो है इन्फॉर्मेशन लेना है तो यहाँ पे जैसे यहाँ से डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बाय कर सकते हैं, यहाँ से जो सिंपली सेल कर सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और ऑप्शन चेन खोलना है तो ये कर सकते हैं। थ्री डॉट का बारे में मैंने बता ही दिया हूँ, ऑप्शन चेन जो है इस प्रकार से होता है, इसके डिटेल वीडियो आएंगे तो उसमें समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंबल्स इन्फॉर्मेशन में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सारी चीज़ जो है आपको डिटेल मिलेंगे, यहाँ पे कुछ न्यूज़ होगा इसके बारे में वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंपली आपको जो है मैं शुरू करता हूँ ऊपर से, ठीक है। ये ऊपर से आपको जो जिसका खोलिएगा वो चीज़ दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईसीआईसी बैंक का खोला हूँ, वो दिख रहा है।
आईसीआईसी बैंक से यहाँ पे सर्च करके ये कितना पे ट्रेड कर रहा है वो बता रहा है, ठीक है, ये कितना परसेंट ऊपर या नीचे है, कितना रुपया ऊपर या नीचे है ये बताएगा। यहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू में स्विच करना सकते हैं, यानी जैसे मैंने स्विच करके बताया था यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आया था, तो एक ओपन मैंने किया था यहाँ पे, जैसे ट्रेडिंग व्यू है आईसीआईसीआई को खोल सकते हैं इसमें, तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं आप ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, सिंपली जो यहाँ से स्विच कर सकते हैं ट्रेडिंग में। यहाँ पे प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं, जैसे जैसे चार्ट जो है ओपन रहेगा तो उस पर प्राइस अलर्ट जो है आप लगा सकते हैं चार्ट पे। यहाँ पे जो प्राइस अलर्ट पर क्लिक कीजिएगा, ए टू प्राइस अलर्ट, प्राइस अलर्ट पर जाके 838 मैंने लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे जो सेट कर दूंगा तो यहाँ पे जो है एक जो है प्राइस अलर्ट जो है सेट हो गया। अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर जाएगा तो मुझे जो है यहाँ पे बजेगा, ठीक है, तो इसलिए आप जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। एक जो है यहाँ पे ये कर सकते हैं, उसके बाद जो है ये चार्ट यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने HDFC बैंक या ICICI यहाँ पे SBI इनको मैंने यहाँ पे से चार्ट देखना है, तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे चार्ट जो है देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज जो है यहाँ पे हो गया। यहाँ पे बाय और सेल का बटन है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये मार्केट का स्टेटस है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, और यहाँ पे जो है एवरेज प्राइस ट्रेड कितना, मतलब हफ्ता भर में अभी यहीं पे प्राइस घूम रहा है, इसका एवरेज जो है अभी यहीं पे चल रहा है, तो वो बताएगा। अब क्या है, ये टुडे हाई और लो है, ठीक है, ये आज का जो है लो जो है, आज का लो मतलब सबसे नीचे कहां तक गया था, तो 520 तक जो है नीचे गया था, यहां पे देख पा लोगे 520 तक जो है नीचे गया था, और 531.60 पैसे जो तक ऊपर गया था, ठीक है, तो यहां पे ऊपर हाई और लो यहां पे होता है, ठीक है। ये हफ्ता का जो है नीचे में, ये इस वीक का जो है हाई इतना था और ये लो इतना लगाया था, ऊपर नीचे जो किया था वो इसका बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट डेप्थ होता है, इसका भी यूज कभी कभी होता है, नहीं के बराबर ही होता है। मार्केट डेप्थ में क्या होता है कि आप जो है ऑर्डर जो है लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, उसके बारे में अभी बताता हूं। लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो यहां पे आपका जो है शो होगा, मार्केट डेप्थ में दिखाएगा कि कितना पर आपका जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जो यहां पे चलता रहेगा। यहां पे बहुत सारे जो है अभी जैसे 973 क्वांटिटी किसी ने एग्जीक्यूट करके छोड़ा है, बट उसका जो है इसमें लगा नहीं है, ठीक है, इसमें करके छोड़ दिया लिमिट ऑर्डर में, बस उसका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसकी वजह से यहां पे अभी पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसे कल जो है ओपन होगा तो इसका जो है इस प्राइस पे एग्जीक्यूट अगर नीचे आता है, अगर 29 रुपया, कितना पे लगाया दिखा देते आपको, ये 29 रुपया 80 पैसा पे लगाया हुआ, अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है यहां पे आके आता है तो इसका जो है ये इधर से इधर आ जाएगा, यानी इसका जो है हो गया है कंप्लीट। अब ये ऊपर जाएगा तो इसका प्रॉफिट होगा, इससे नीचे जाएगा तो लॉस होगा, ठीक है, सिंपली सी जो है ये चीज है। यहाँ पे कुछ न्यूज का सेक्शन है, ये न्यूज है, न्यूज देगा, ये कुछ भी चीज का न्यूज जो है इसको आपको देगा, ये जिस चीज का आप जो खोल के रखेगा उसका जो है न्यूज यहाँ पे सिंपली प्रोवाइड करता है, इसका क्या कोई यूज है नहीं, मैंने बता दिया हूं। अब सिंपली बाय और सेल बटन के बारे में बताते हैं, बाय करना है और सेल करना है दोनों में एक ही चीज होता है। यहाँ पे जो है सिंपली जो है NSE और BSE में बाय होता है, ठीक है, तो BSE का जो है आपको SBI कुछ इस टाइप से 529 का है, और NSE का जो है ये आप लोग को बता दूंगा बाद में कि इसमें जो है NSE और BSE दो प्लेटफॉर्म होते हैं, आपको बाद में बता देंगे कि NSE और BSE होता क्या है, ठीक है। तो सिंपली जो है आपको जो है सिंपली यहां पे डिलीवरी और इंट्रा डे भी क्या होता है वो बाद में ही बताएंगे। यहां पे सिंपली क्वांटिटी जितना लेना चाहेंगे उतना यहां पे कर सकते हैं, ये मार्केट में लेना चाहते हैं मार्केट में लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर अभी मैंने बात किया था उसके बारे में, ये सभी बाद में जब लेना होगा तब बताएंगे, और ये स्टॉप लॉस होता है, जैसे कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है कैसे लगाना है ये बाद में पढ़ाएंगे, ये SL मार्केट में कैसे लगाना है ये पढ़ाएंगे बाद में, उसी प्रकार सेल जो कीजिएगा उसमें भी इसी प्रकार से होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेल कर दिया हूँ तो सेल का भी कुछ स्टेप्स होता है, बस यहाँ पे जो है प्रीव्यू रहता है कि आपको सेल ऑर्डर जो है करना है कैसे करना है, सारी चीज़ जो बाद में बताएंगे इसको भी। अब जो है सारी चीज़ जो मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, आप सभी को कुछ भी लगता है इसमें छूट गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लगभग में आप स्टॉक कंप्लीट हो गया, अब कल से न्यू सीरीज शुरू होगा, न्यू सीरीज में आपको जानने को मिलेगा कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट मतलब कि ऊपर और नीचे कैसे करता है, मार्केट का व्यू क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, सारी डिटेल में आगे बातें होंगी, तो जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।